अनूपपुर में डॉक्टर कवल भान प्रजापति के ऊपर आयुष्मान विभाग के जिला समन्वयक मिथिलेश साहू ने गाली गलौज कर जूतों से मारपीट किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में डॉक्टर की करतूत सबके सामने आ गई है, जिन्होंने डॉक्टर जैसे पद की गरिमा को कलंकित किया। पुलिस को डॉक्टर द्वारा झूठी शिकायत पत्र देकर गुमराह करने का प्रयास भी किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि फरियादी मिथिलेश साहू खड़े होकर फोन से बात कर रहे हैं। डॉक्टर कमल भान प्रजापति पहुंचे और फिर अचानक से मिथिलेश को मारने लगे और फिर पैरों से जूता उतारकर ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। इस घटना को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल से मैंने दो सिस्टम वहाँ पे रख दिया, तीसरा सिस्टम में ले जा रहा था प्रिंटर तो हाथ में रखा था। डॉक्टर के बी प्रजापति आए में आए और जूता उतार के मेरे को 15 जूता मारे हैं। आज करीब 12:30 के लगभग सर 15 जूता मेरे को जूता उतार के मारे, पूरे निशान है। फिर मैंने सब सारी चीज़ें मैं सीएमएचओ साहब को फोन, सीएमएचओ साहब फ़ोन रिसीव नहीं किए। फिर मैं अस्पताल के थाना में मैं रिपोर्ट दर्ज कराना चाहा, लेकिन उन्होंने बोले कि यहाँ पे दर्ज मत कराओ, वहाँ पे थाना चले जाओ। मिथिलेश साहू द्वारा मेरे देसी ही बरामदे में निकला गाली गलौज, अब सब बोलने लगा। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आज डॉक्टर के पोस्ट पर होते हुए भी एक आयुष्मान कर्मचारी पर अपमानित हो पा रहा हूँ। थाने में शिकायत की, थाने में शिकायत किया है। इसके पहले भी मैं अपमानित हो चुका हूँ, उसके भी मैंने सिविल सर्जन से मैंने 2-3 बार शिकायत की, अब कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया सिविल सर्जन द्वारा। ये कहना सही है कि कल 12 बजे करीब ऐसी घटना हुई है जिला अस्पताल में, उनके द्वारा मारपीट की गई है और तुरंत कल ही एक टीम गठित करके 3 सीनियर डॉक्टरों की जांच करा करके सभी से बयान लिए गए हैं, फुटेज बनाकर कलेक्टर महोदया को दिया गया है, जो खुद अपने देख रेख में कार्रवाई करने को बोली हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन प्राप्त हुए हैं कि दोनों के बीच में जो है मारपीट का प्रकरण हुआ है, दोनों से आवेदन लेकर के आवेदन की जांच करने के उपरांत जो भी होगी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।